नमस्कार, नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार सेन आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपके समक्ष। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन और उसकी नस्लें। जी हाँ, एग्जाम रीट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड पटवार, कोई सा भी एग्जाम जिसके अंदर यह टॉपिक शामिल होता है पशुपालन, यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हम सीधे तौर पे बात करेंगे इस टॉपिक को, हम कुछ विशेष ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से नस्लों के बारे में पूछा जाता है कि यह किसकी नस्ल है। जैसे एक नाम दे दिया जाफराबादी, जाफराबादी नस्ल है, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे गाय, ऊंट, बकरी, भैंस, जो भी है, ठीक है। इस तरह से चार ऑप्शन देकर के नस्लों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। नस्लों के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पशुपालन के बारे में, कि पशुपालन जो है उसकी क्या दशा है। आपने अक्सर सुना होगा पशुओं के लिए एक कहावत कही जाती है कि जीवित लाख का मरा सवा लाख का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पशु का संबंध जीते जी भी है और मरने के बाद भी है। जीते जी जितना संबंध रखता है उससे ज्यादा संबंध मरने के बाद भी रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पशु है, जब तक वो जीवित है तब तक वो हमें दूध दे रहा है, तब तक वो हमें ऊन दे रहा है, लेकिन मरने के बाद भी वह हमें मांस देता है, चमड़ा देता है, ठीक है, ऊन देता है। तो इसलिए कहा गया कि जीवित हाथी लाख का और मरा सवा लाख का। इसके अलावा आपने कुछ कहावतें और भी सुनी होगी, जैसे गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? अक्सर पुलिस में आपके कांस्टेबल वगैरह जो एग्जाम होता है उन छोटे एग्जाम्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को, भैंस को, गाय को, घोड़े को, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि गरीब की गाय, गरीब की गाय, तो ध्यान रखना गरीब की गाय के रूप में जिस पशु को जाना जाता है उस पशु का नाम है बकरी। क्यों कहा जाता है गरीब की गाय? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कम पैसों की बन जाती है, ठीक है, चारा भी कम खाती है और आवश्यकता के अनुसार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अच्छा करती है। तो ये हमने बात की गरीब की गाय। अब बात करते हैं कि भारत में, विश्व में पशुओं की क्या कंडीशन है, ठीक है। उससे पहले एक आपको और छोटा सा क्वेश्चन जो लगभग आता रहता है, वैसे तो आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो जहाज है वो ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारे यहां पर कहा भी जाता है कि एकदम ऊंट है, लेकिन ये ऊंट बहुत काम का है, ठीक है ना। तो रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बकरी के बारे में और बातें करते हैं, ठीक है। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है, गरीब की गाय हमने बकरी को कहा। अब बकरी से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बकरी से जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, बकरी की नस्लें और बकरी की जो नस्लें हैं, कौन कौन सी किस्म की बकरियां हमारे यहाँ पर पाई जाती है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नस्लों को लेकर के मैंने ट्रिक बनाई आपके लिए कि आपको मानना है कि कोई व्यक्ति है और उसका नाम है शेख, कोई व्यक्ति है उसका नाम है शेख, ठीक है, और उसकी एक लड़की है उसका नाम है जमुना, ठीक है। तो ये लड़की किसकी है? शेख की, शेख की जमुना। और ये किसकी जैसी है? ये अपने बाप की जैसी है। तो क्या बोलते हैं? बाप जैसी। कि शेख नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, शेख की जमुना, ठीक है, बाप जैसी। शेख की जमुना जो है वो उसके बाप शेख की जमुना
माँ बाप जैसी। अरे अपन कहते भी तो है ना कि ये बच्चा किसको गया है, अक्सर ऐसा हम पूछते हैं कि ये बच्चा किसको गया है। तो यहाँ पर भी हमने ये पूछ लिया कि जो शेख है इसकी जो बेटी है जमुना ये किसको गई है, तो ये इसके माँ बाप जैसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ट्रिक से बकरी की जो नस्ल है वो कैसे निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम नाम लिया शेख, ठीक है, तो शेख से जो नस्ल बनी, शेख से हम याद करेंगे शेखावाटी। शेखावाटी बकरियों की एक नस्ल है, शेखावाटी। ठीक है, की से कोई नस्ल नहीं है, की केवल सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे है जमुना, तो जमुना से जो नस्ल बनी है वो है जमुनापारी। जमुनापारी भी मिल सकता है, जमुनापारी भी मिल सकता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं माँ, तो माँ से जो नस्ल बनती है वो बनती है मारवाड़ी। मारवाड़ी लोही, मारवाड़ी लोही जो नस्ल है वो ट्रिक बनी माँ से। ठीक है, बाप, अब बाप में बा और प, बा से जो नस्ल बनी है उसका नाम है बर्बरी। एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि बर्बरी नस्ल है, तो बर्बरी नस्ल किसकी है बच्चों, बर्बरी नस्ल है बकरी की। प ऐसे बनी है पर्वतसरी। ठीक है, और जय, जैसे है जकराना, और सी से है सिरोही। तो एक ही ट्रिक में हमने बकरियों के लिए जो नस्ल राजस्थान में जो पाई जाती है और नस्लों को हमने याद किया, और ट्रिक भी बहुत सिंपल सी है, आपको याद रखना है कि शेख नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी लड़की है जमुना, और वो जमुना अपने माँ बाप की जैसी है। किसकी जैसी है, माँ बाप की जैसी। तो शेख से शेखावाटी, जमुना से जमुनापारी, माँ से मारवाड़ी लोही, बा से बर्बरी, वैसे कौन सी है बच्चों, बर्बरी, पैसे पर्वतसरी, और जैसे जकराना, और सी से सिरोही। तो हमने ये बकरियों के बारे में याद किया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ स्पेशल कंटेंट के बारे में। ये तो हमने एक ट्रिक पढ़ी, ठीक है, एक ट्रिक पढ़ने के बाद अब हम लौट के चलते हैं कुछ तथ्यात्मक जानकारियों के बारे में। ठीक है, और वो ये है कि विश्व में सर्वाधिक पशुपालन अगर होता है तो वो क्या, कहां होता है, भारत में। विश्व में सर्वाधिक पशुपालन अगर कहीं होता है तो विश्व में सर्वाधिक पशुपालन भारत में होता है, इसीलिए विश्व में सर्वाधिक मवेशी कहां पाए जाते हैं, इसलिए विश्व में सर्वाधिक मवेशी भी भारत में पाए जाते हैं। अगर बात करें पशु गणना, तो अंतिम पशु गणना जो हुई थी वो 1919, मतलब 100 साल हो गए भाई, कितने साल हो गए, 100 साल, 1919 और 1920, सॉरी अंतिम नहीं, प्रथम जो पशु गणना हुई थी वो प्रथम पशु गणना 1919-1920 में हुई थी। ठीक है, और अब तक कितनी बार हो चुकी है, 20 बार हो चुकी है, अब तक कितनी बार हो चुकी है, 20 बार हो चुकी है पशु गणना। 1920वीं बार भी होगी, 20वीं बार अभी होगी, 19 बार हो चुकी है, सॉरी 20वीं बार अब होगी, अब तक 19वीं बार पशु गणना हो चुकी है। और देखो यहाँ पर आंकड़ा कॉमन सा है, 19, 19 और 19, ये याद रखने का तरीका है कि पशु गणना सबसे पहले 1919 में हुई और अब तक कितनी बार हो चुकी है, अब तक 1919।
ठीक है। अंतिम जो पशु गणना हुई, अंतिम पशु गणना तो अंतिम पशु गणना जो हुई वो ही 15 अक्टूबर 2012। अब की बार जो होगी वो 20वीं होगी। अंतिम पशु गणना जो हुई वो हुई 15 अक्टूबर 2012। प्रथम पशु गणना 1919-20। अब तक कितनी बार हो चुकी? तो अब तक 19 बार हो चुकी। आपकी बार जो होगी वो 20 बार होगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पुट अप किया जाता है कि आपकी बार जो पशु गणना होगी वो कौन सी होगी, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेता है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपकी बार जो होगी वो 20वीं होगी। अब तक कितनी हो चुकी? तो 19 हो चुकी है। और अंतिम पशु गणना जो हुई वो हुई 15 अक्टूबर 2012। अगर हम बात करें कि देश में सर्वाधिक पशुधन, तो देश में सर्वाधिक जो पशुधन है, देश में सर्वाधिक पशुधन, तो देश में सर्वाधिक पशुधन वाला अगर राज्य है तो वो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक पशुधन अगर है तो यूपी में है। आप देखो, याद करने का ट्रिक, इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा पशु, सबसे ज्यादा इंसान कहां पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले के अंदर भी यूपी सबसे ऊपर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पशुधन भी कहां पर है, यूपी में है। यूपी के बाद में अगर नंबर दो आता है, नंबर एक और नंबर दो अगर आता है तो वो आता है राजस्थान का। सबसे नंबर वन पे यूपी, और उस यूपी के बाद अगर नंबर दो है तो किसका है, राजस्थान का। तो आज हम, ठीक है, बात की हमने बकरी के बारे में इस टॉपिक में, और कुछ तथ्यात्मक व्यूज लिए। अगले वीडियो में फिर एक नए पशु के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, और कुछ अलग कुछ तथ्यात्मक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।